गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम था, के बिल्कुल फिट आदमी है, फिट आदमी था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्पेकुलेशन मैंने बॉलर नहीं हमें बांगला कि बोलो चलो अभिजीत दा। दर्शकों को बता दूं कि केके सर का जो पूरा नाम है वो कृष्ण कुमार कुन्नत है। और आपने केके कर दिया। हाँ, केके सर, घर वालों ने कभी कहा नहीं कि मुंबई में लोग नाम बड़ा करने जाते हैं? आप मशहूर तो इतने हो गए पर नाम आपने छोटा कर दिया केके। मेरा कपिल ऐसा है बात की जब मैं दिल्ली में था ना तो मुझे सब लोग केके करके बुलाते थे जी। तो बड़ी न्यू एज केके, तो मैं यहाँ पर जो आया मैंने सोचा कि यहाँ पर अपना जो है कृष्णा कुमार कर लूं। तो बिगनिंग में जब वो चक्कर लगे थे स्टूडियो के तब लोग कहते कौन कृष्ण कुमार यार कौन ये वो दिल्ली से केके वही है ना। तो मैंने कहा जो जानता है जिस नाम से वही रखो फिर वही रखते ना यार फिर काहे को कंफ्यूजन करें। दो के हैं आपके नाम पे वाह क्या बात एक वाले मान तो आप तो दो है। तो केके सर हमारी एक रिसर्च टीम है केके सर बहुत बड़ी एक आदमी की तो उन्होंने हमें बताया कि पहले आप भी डॉक्टर बनना चाहते थे तो क्या प्रॉब्लम आपको नर्स को सिस्टर बोलने में दिक्कत थी या आपने स्टेथोस्कोप की जगह हेडफोन लगा ले तो उसी में मजा आने लगा। इसको सिस्टर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी बीवी उसको शायद बचपन में मिल गई इसकी स्टोरी बहुत क्या बात कर रहे भाई सही सही बताओ कब की बात है ये क्या कैसे हुआ ज्योतिबा में एक दूसरे को 600 से जानते हैं। ओह माय गॉड वो भी आपको 600 से जानती हैं तब भी उन्होंने आपसे शादी कर ली। नहीं नहीं हमने कनेक्शन हो गया था यार कपिल इसलिए तो मैंने गाना जो यारों दोस्ती बनाया दोस्ती शुरुआत होती है फिर मोहब्बत हो जाती क्या बात है क्या बात है दोस्ती वाला गाना एक्चुअली ये एंथम बन गया दोस्तों के लिए क्या बात है सर बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत बैठ जाना हां बैठिए ना सर प्लीज और कोई नहीं आने वाला नहीं नहीं शो करके आया हूं लेकिन ये सब लेकिन दुख की बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जिनको पब्लिक छोड़ना नहीं चाहती तो वो स्टेज में आग देख रहे थे अगर वो टावेल ले रहे हैं तो वो हर एक को होता है ये जोश होता है और हर आर्टिस्ट चाहता है कि ऑडियंस उसकी पागल हो जाए। तो केके में ऐसी बात मैं थी नहीं बोल सकता केके के गानों में ऐसी बात है कि हर इंसान हर उम्र का हर उम्र के लोग उसके गानों को सुनते हैं सिर्फ आज से नहीं ऑलमोस्ट 20 years जब मैंने शुरू किया तो मेरे थोड़े दिन बाद ही वो आया और मैं पूरे मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूं कि मैं इतनी जल्दी किसी का फ़ैन नहीं होता हूं किशोर कुमार के बाद शायद मैं किसी का फ़ैन बनाऊं लेकिन केके का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं हमेशा रहूँगा। मेरे गानों मेरे घर पर गाने केके का सबसे ज़्यादा चलते हैं मेरा बेटा अभी कोशिश करता गाने की तो वो भी केके के ही गाने गाता है। सो ये जो स्पेकुलेशन है ये जो रूमर है इसको बिल्कुल हटा दीजिए कि वहाँ पे ऑडिटोरियम में ये नहीं है वो नहीं है ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था लेकिन तबीयत खराब थी वो मुझे लगता है कि वो होटल चले गए उसकी जगह अगर आजू बाजू मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर रखनी चाहिए जहाँ पे इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो शायद आज हमारे बीच आपके परिवार से बात करने के लगता है कोई बीमारी कभी थी तो नहीं नहीं उनके जो डॉक्टर है होम्योपैथिक डॉक्टर मेरे मुझे बहुत तकलीफ हुआ था एक बार फ्लाइट में केके मेरे साथ था हम भी उसी समय कलकत्ता ही जा रहे थे सेम डे हमारा शो था एक जगह केके ने मुझे उसी टाइम फ्लाइट से अपने डॉक्टर का नंबर दिया डॉक्टर शेट्टी जो होम्योपैथी का मैंने उससे आज सुबह बात किया बोला केके को कोई प्रॉब्लम नहीं था कोई वो जितना मीडिया में आ रहा कि लिवर का प्रॉब्लम था कुछ नहीं था सिर्फ उसको आजकल थोड़ा सा पेट का गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम था केके बिल्कुल फिट आदमी है फिट आदमी था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्पेकुलेशन मैंने बॉलर नहीं हमें बांगला कि बोल को चलो अभिजीत दा।